मामला विजयपुर तहसील के ग्राम बलावनी के हिडोली के सराने का है, जहां एक शिक्षक पर नेतागिरी करने के साथ चुनाव में प्रचार प्रसार की शिकायत को लेकर ग्रामीण श्योपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे और ग्रामीणों ने बताया कि शासकीय प्राथमिक शिक्षक मलखान सिंह रावत शिक्षा कार्य में लापरवाही बरत रहा है, साथ ही चुनावी कार्यों में ये लगा हुआ है और मतदाताओं को भ्रमित कर अपने प्रत्याशी को वोट दिलाए जाने के साथ ही यहां पर माह में 5 दिन ही स्कूल पहुंचता है। श्योपुर कलेक्टर को इस आशय में लेकर एक आवेदन सौंपा गया है। बताया गया है कि ग्राम पंचायत बलावनी हिडोली का सराना शासकीय प्राथमिक विद्यालय शिक्षक मलखान सिंह रावत शिक्षा कार्य में लापरवाही बरतते हुए श्योपुर में निवासरत है। केवल 5 दिन ही वो महीने में स्कूल पहुंचता है। वर्तमान में चुनाव प्रचार करते हुए भी वो नजर आया और कई कार्यों में भी वो हस्तक्षेप यहां पर करता है। साथ ही साथ विद्यालय एकमात्र शिक्षक के भरोसे चल रहा है, जिस कारण शिक्षा के स्तर में गिरावट देखी जा रही है। अब देखना होगा कि ग्रामीणों की शिकायत के बाद पुलिस प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद क्या कुछ कार्रवाई शिक्षा विभाग शिक्षक पर करता है। नाम है आपका? अशोक आदिवासी। किस संदर्भ में आप जिला कलेक्टर आए हो, किस बात की शिकायत लेकर आए थे आप? हम मलखान मास्टर की शिकायत करने आए हैं। हर चुनाव में वो भाग लेता है और यहाँ श्योपुर में ही रहता है। महीने में 5 दिन स्कूल खोलता है वो। तो क्या शिकायत थी उससे मलखान से? मलखान से यही कि तू नेता है कि कोई सरकारी कर्मचारी है? गांव में वो नेतागिरी ज्यादा करता है। किस गांव की घटना है, किस गांव का मामला है? ग्राम पंचायत बलावनी का। बलावनी का। अभी आपने जो आवेदन दिया किसको दिया? कलेक्टर साहब को दिया। क्या आश्वासन दिया कलेक्टर साहब ने? कलेक्टर साहब ने कि ठीक है, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इससे पहले भी जो आप कह रहे हो कि जो सरकारी शिक्षक है वो चुनाव में